ना कोई नियम, ना कोई कानून, ना ही कोई लिखित आदेश, लेकिन बदल गई जामताड़ा के स्कूलों की छुट्टियां। हेमंत सोरेन के राज में ये हो क्या रहा है? क्या देश के कानून से अलग है छत्तीसगढ़ का कानून? क्यों कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी है छत्तीसगढ़ की सरकार? जामताड़ा में हावी है तालिबान। यहां स्कूलों की छुट्टियां रविवार को नहीं शुक्रवार को होती हैं। क्या अब धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथों चलेगी छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था? क्या देश के कानून से ऊपर है झारखंड का शिक्षा विभाग? देश का एक राज्य है झारखंड, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की कांग्रेस गठबंधन के साथ की सरकार है। इस राज्य में एक जगह है जामताड़ा, शायद आपने ये नाम सुना हो, या संभव है कि वेब सीरीज देखने के शौकीन लोग इस नाम से परिचित हों। अब ये नाम एक अजीब फैसले की वजह से चर्चा में है। इसी जिले के न्यू प्राथमिक विद्यालय हीरापुर में कुल 141 बच्चे हैं, जिसमें से 42 बच्चे हिंदू धर्म के हैं, बावजूद ये जुम्मे के दिन छुट्टी लेने को मजबूर हैं। ये कहानी केवल एक स्कूल की नहीं, दरअसल जामताड़ा जिले में करीब 100 सरकारी स्कूलों में स्कूलों का साप्ताहिक अवकाश अब बिना विभाग के अधिकारी का आदेश के रविवार की जगह शुक्रवार को होने लगा है। जब हमने इसकी वजह स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ मुस्लिम आबादी 70% से ज्यादा आए। शुरुआत एक दो स्कूलों में जुमे की छुट्टी करने से हुई थी। इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट पर मुस्लिम अभिभावकों ने दबाव बनाया था, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप ना करने से हौसले बुलंद होते चले गए और अब करीब 100 स्कूलों में सदियों पुराना नियम ही बदल दिया गया। अब बच्चों की छुट्टी शुक्रवार को ही होने लगी है और ऐसे स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब आपको एक और दिलचस्प पहलू बताते हैं। कमाल की बात यह है कि ये सभी उर्दू स्कूल नहीं है, मदरसे नहीं है, शिक्षा विभाग को ऐसा कोई आदेश नहीं है। इन सब स्कूलों में हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन संख्या बल और सरकार की मूक सहमति के आगे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जिले के कई मुस्लिम बाहुल्य इलाके ऐसे हैं जहां ना उर्दू की पढ़ाई होती है और ना स्कूलों में उर्दू के शिक्षक हैं। फिर भी दबाव बनाकर मुस्लिम अभिभावक अपनी मर्जी चला रहे हैं, या फिर स्कूल प्रबंध कमेटी ने मनमर्जी से इन्हें उर्दू स्कूल नियमों को ताक पर रखकर घोषित कर रखी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिकॉर्ड में अभी भी इन स्कूलों में छुट्टी रविवार को ही दिखाई जा रही है, लेकिन बच्चों का संडे बर्बाद करके उन्हें स्कूल बुलाया जाता है। शुक्रवार को जबरदस्ती हिंदू बच्चों को भी छुट्टी दी जाती है। राजनीति को समझने वाले ये जानते हैं कि झामुमो, कांग्रेस और अन्य दल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में माहिर है। कहीं यही वजह तो नहीं कि मुसलमानों को देश का कानून बदलने की मौन रहकर छूट दी जा रही है? जिले के शिक्षा पदाधिकारी इस पूरे मामले में अनजान बन रहे हैं, लेकिन इस मामले को संवेदनशील बनाते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब इन स्कूलों पर एक्शन तब लिया जाएगा, अभी तक क्यों नहीं लिया गया इसका जवाब शिक्षा विभाग की जिम्मेदार अधिकारियों के पास नहीं है। स्कूल कमेटी के लोग इस प्रकरण में अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि महीनों पहले ग्रामीण जुमे के दिन स्कूल बंद रखने की मांग लेकर उग्र होकर सड़कों पर उतर आए थे। प्रशासन और शिक्षा विभाग से हमें ज्यादा सहयोग नहीं मिला, मजबूरी में शुक्रवार को स्कूल बंद रखने की मांग माननी पड़ी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जामताड़ा जिले में कुल 1084 सरकारी स्कूल है, जिसमें से मात्र 15 उर्दू विद्यालय हैं। उसके बावजूद 100 स्कूलों में जुमे के लिए छुट्टी होना ये दिखाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।